أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اور آئیے اسی سلسلے کو بڑھانے کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب پرویز شکو صاحب کی خدمت میں جو آئے اور آنے کے بعد بارگاہ آل احمد میں نظران عقیدت پیش کریں ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات حاضرین مجلس غم اور جو جہاں جہاں سے
समात फरमा रहे हैं, इल्तिमास है कि एक बार सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा व मग़फ़ूरा जहारा बेगम बिनते सैयद अब्बास हसन साहब की रूह को बख्श दें। बराए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लिसानुल्ला है गोया लिसाने जाफर सादिक, लिसानुल्ला है गोया लिसाने जाफर सादिक और बयान मुरसल हक है बयान जाफर सादिक, बयान मुरसल हक है बयान जाफर सादिक और कयामत तक बदल सकता नहीं एक हर्फ भी इसका, क़यामत तक बदल सकता नहीं एक हर्फ भी इसका। शरीयत के दहन में है ज़ुबाने जाफर सादिक, शरीयत के दहन में है ज़ुबाने जाफर सादिक। बराए शहज़ादी कौनैन एक बुलंद तर सलवात भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सैयदा आपकी तारीफ नहीं हो सकती, सैयदा आपकी तारीफ नहीं हो सकती, बा खुदा आपकी तारीफ नहीं हो सकती, बा खुदा आपकी तारीफ नहीं हो सकती। आप तो मंजिले मिदहत से बहुत आगे हैं, आप तो मंजिले मिदहत से बहुत आगे हैं, आप तो हद फजीलत से बहुत आगे हैं, आप तो हद फजीलत से बहुत आगे हैं। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए शहज़ादी के मसाइब के चंद बंद पेश कर रहा हूँ। मोमिनो मख्तले जहरा की ये फरियाद सुनो, मोमिनो मख्तले जहरा की ये रुदाद सुनो, कि है उम्मत में मुसीबत में जो बेदाद सुनो, कि है उम्मत ने मुसीबत में जो बेदाद सुनो। मुस्तफ़ा मारे गए घर हुआ बर्बाद सुनो, बाप को रोती हुई बेटी की फरियाद सुनो, हाय उसको रो लो जिसे रोने का इजाजा ना मिला, आके उम्मत ने जिसे बाप का पुरसा ना दिया, आके उम्मत ने जिसे बाप का पुरसा ना दिया, बाप के गम में थी गमगीन नबी की बेटी, गश पे गश
दिखाते थे फुरकत में पयंबर की अली खुश्क ना कब्रे पयंबर की हुई थी मिट्टी रोती हस नैन को लिपटा के थी जहरा बीबी हाय शर्म सरवर के यतीमों पे नकाई आकर आग दरवाजे पे उम्मत ने लगाई आकर आग दरवाजे पे उम्मत ने लगाई आकर बोली दरवाजे के पीछे से ये आकर जहरा क्यों मुसलमानों किया है मेरे घर पर हमला उनकी बेटी हूँ के तुम पढ़ते हो जिनका कलमा अपने बाबा से मैं फरियाद करूँगी लिल्ला हाय हम सताए हूँ को और सताते क्यों हो ये तो बतला दो मेरे घर को जलाते क्यों हो ये तो बतला दो मेरे घर को जलाते क्यों हो एक लई बोला के हैदर को निकालो बाहर वरना आ जाऊंगा बिन पूछे मैं घर के अंदर सुन के रोने लगी ये बात नबी की दुख्तर ला दरवाजे पे एक मारी लाइने बढ़कर हाय आके पहलू पे वो जलता हुआ दरवाजा गिरा बीच में थी दरो दीवार के हाय जहरा बीच में थी दरो दीवार के हाय जहरा जलते दरवाजे के ऊपर से सितमगर गुजरे जलते दरवाजे के ऊपर से मुसलमान गुजरे और तीन फातिमा जहरा उसी दर के नीचे शोर करते हुए घर में जो लइया पहुँचे देख कर बलवे को रोते थे अली के बच्चे हैदर को अम्मा से हटाती है परीशान ज़ैनब है मदीने में भी ये शामे गरीबा ज़ैनब है मदीने में भी ये शामे गरीबा ज़ैनब मोमिनो मक्तले माशाअल्लाह बहुत खूब अशआर पेश फरमा रहे थे खिदमत अहले बैत में शायर मौसूफ क्योंकि ये एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है लिहाजा मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश गुजार हूँ सैयद कमर हैदर साहब की खिदमत में कि वह आए और आकर खिदमत अहले बैत में अशआर पेश फरमाएँ और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ आप हजरात इनकी सेहत व सलामती के लिए एक आवाज़ बुलंद सलावात इरशाद फरमाएँ मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ
मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, चाहे हम खुशियों में माँ को अपनी भूल जाए, लेकिन चाहे हम खुशियों में माँ को अपनी भूल जाए, लेकिन जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अशआर पेश फरमा रहे थे जनाब कमर साहब। आइए, मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश गुजार हूँ जनाब अली साहब की खिदमत में कि वह आएँ और आने के बाद मोमिनीन के कुलूब को अपने अशआर के ज़रिए से मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात इनकी इस्तकबाल के लिए एक सलावात मरहूमा की दो शय आखरत
چند آنسو اور اضافہ ہو کہ آخر و شہر آخرت کے لیے ایک نوحے کی شہزادی سکینہ کے حوالے سے. صدا یہ شام کے زندہ سے آ بھی آتی ہے, بہت اکیلی ہوں اموں بہت اکیلی ہوں. یہ چار سال کا سن اور غضب کی تنہائی کہاں پہ گھیر کے تقدیر مجھ کو ہے لائی, وہ کیسا جرم تھا میرا جو یہ سزا پائی, یہ کس مقام پہ اللہ مجھ کو موت آئی. یہاں بلاؤں کا ہر ایک سمت ڈیرا ہے, یہ قید خانہ ہے یا موت کا بسیرا ہے. بچھڑ کے آپ سے مجھ پر بہت ستم ٹوٹے, کسی پہ ایسی مصیبت پڑے خدا نہ کرے, کسی کی بیٹی نہ میری طرح یتیم بنے, تمام جسم پہ میری نشان ہے دروں کے, جو آ رہا تھا تماچے مجھے لگاتا تھا, کلیجا قدموں کی آہٹ سے کانپ جاتا تھا, وہ گوشوارے جو پنہائے تھے محبت سے, وہ شمر لے گیا کانوں کو چیر کر میرے, ٹپک رہے تھے میرے روح سے خون کے قطرے, میں ہاتھ کانوں پہ رکھتی مگر تھے ہاتھ بندھے, صدائے آپ کو دے دے کہ میں سی سکتی رہی, سکینہ شام کی راہوں میں روز مرتی رہی, وہ تازیانوں کی ضربوں سے جب لہو نکلا چپک گیا تھا بدن سے جلا ہوا کرتا, اتار پائی نہ غسالہ جب لباس میرا, اسی پھٹے ہوئے کرتے میں مجھ کو دفن کیا, وہ کرتا مجھ سے میری داستاں سناتا ہے, لحد میں مر کے بھی دن رات یہ رلاتا ہے. یوں ہی گزرتے رہے ماہ و سال اے انور, یوں ہی تا
तड़पती रही अपनी कब्र में मुज़्तर। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ शाह की दुख्तर, अब उठ के देखिए रोजे पे भीड़ का मंजर। हजार शम्मे है रोशन ये देख लो बीबी, चचा का वास्ता रो रो के मत कहो बीबी। बहुत अकेली हूँ अम्मू, बहुत अकेली हूँ। समाज फरमा रहे थे आप हजरात भी और पेश किए जनाब ने, और अगले शायर को आवाज़ देने से पहले चार मिस्र आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि दो कसीदे हैं रबाब गमजदा की शान में, दो कसीदे हैं रबाब गमजदा की शान में, एक है मैदान में और एक शाम के जिंदान में। दो कसीदे हैं रबाब गमजदा की शान में, एक है मैदान में और एक शाम के जिंदान में। और हुरमला असगर ने मारा और सकीना ने अजीज, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। आइए बगैर में किसी तमीज के शायर अहले बैत जो बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं, गुजारिश गुजार हूँ मौलाना अली मोहम्मद साहब की खिदमत में कि वो आएँ और आने के बाद मोमिनीन के कुलूब को अपने अशार के ज़रिए से मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात इनकी सलामती के लिए एक सलावात इरशाद फरमाएँ। ये खत पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएँ। चला है खैमे शह से, चला है खैमे शह से, जरी इतनी रवानी में, चला है खैमे शह से, जरी इतनी रवानी में, सुवे मैदान जाते थे अली जैसे जवानी में, सुबह मैदान जाते थे अली जैसे जवानी में। अगर अब्बास के होठों को नहरे अलकमा छू ले, अगर अब्बास के होठों को नहरे अलकमा छू ले, सुलग जाएगा दरिया आग लग जाएगी पानी में, सुलग जाएगा दरिया आग लग जाएगी पानी में। और एक मतला और दो शेर और पेश करता हूँ, तो खास मुलाजा फरमाएं। तर्जुमा कुरान का उससे जुदा करते नहीं, तर्जुमा कुरान का उससे जुदा करते
नहीं फातिमा से हट के जिक्र मुस्तफ़ा करते नहीं खूब बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन उसमें मरीज खूब बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन उसमें मरीज लगता है उस शहर में परचम उठा करते नहीं। आखिर मिस्रा बतौर खास मुलाजा फरमाए लगता है उस शहर में परचम उठा करते नहीं जिसको जन्नत मांगनी हो मांग ले बोलोल से जिस को जन्नत मांगनी हो मांग ले बोलोल से जिसको जन्नत मांगनी हो मांग ले बोलोल से छोटे छोटे काम मौला से कहा करते नहीं छोटे छोटे काम मौला से कहा करते नहीं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। ये थे अली मोहम्मद साहब के जो आप हजरात की खिदमत में अशआर पेश फरमा रहे थे और आइए अपने बड़े अदब और एहतराम से बगैर किसी तमहीद के गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब की खिदमत में कि वो सरफरोज़ मेंबर होकर मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाया। हजरात इनकी सलामती के लिए एक सलावत इरशाद एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा जहांआरा बेगम बिनते अब्बास हसन को इसाल फरमा दें। رحم اللہ من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے
अब अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श भी मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावात पढ़ें जितने आपके जहनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। वाजिबुल एहतराम सामईन कराम महिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम, मैंने जिस साए मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के 33वें सूरह सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत है जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। कहें नबुव्वत के अहले बैत, अल्लाह ताला आपसे हर रिज्स को दूर रखेगा और वैसा पाको पाकीज़ा रखेगा जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है। मैंने इस आय मुबारका को आज की इस मजलिस के लिए इसलिए सरनामा कलाम करार दिया क्योंकि ये मजलिस है मरहुमा जहां आरा बेगम साहिबा के स्वयं की पंजुम की मजलिस है। तो ये मजलिस बराए साले सवाब मुनक़िद हो रही है जहां आरा बेगम, तो मैंने सोचा कि जब जहां आरा की मजलिस है तो मलकाए दो जहां का ज़िक्र किया जाए, इस्मत व तहारत की शहज़ादी का ज़िक्र किया जाए कि जिसकी वो ख़ुद कनीज थी, ताकि उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए और इसाल के लिए ये ज़िक्र बाबरकत साबित हो। तो मैंने जिस आयत को गुफ्तगू का मौजू बनाया है, वक्त बहुत कम है क्योंकि वर्किंग डे है, मैं भी कॉलेज से अभी बच्चों को पढ़ाकर दरमियान में छोड़कर आया हूँ, फिर वापस कॉलेज जाना है और आप हजरात को भी वर्किंग डे है ऑफिस जाना है, बहुत तेज़ी से गुजरना है चंद अहम मरहलों से कि परवरदिगार ने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। उलमा फाजिल तलबा यहाँ मौजूद हैं, इन्नमा कलमा हसर है, अरबी ग्रामर के अतबार से कलमा हसर उस कलमे को कहा जाता है जो एक शय को दूसरी शय में महसूर कर दे, या यूं कहें तख़सीसु शय बिशय, एक शय को दूसरी शय से मखसूस कर दे। मसलन इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूला वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़िमूना सलाता व युतूना ज़कता व हुम राकिऊन। परवरदिगार आलम ने इस आय मुबारका में विलायत को तीन लोगों से मखसूस किया, यानी अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है और अली वली हैं। या इन्नमल मोमिनूना इख़्वा, अल्लाह ने कहा मोमिन मोमिन का भाई है, तो मोमिन को मोमिन से मुख्तस किया। तो ये एक शय को दूसरे शय से मुख्तस करना कलमा हसरिया कहलाता है। तो अब इस आयत में कौन सी शय है जिसे मुख्तस किया जा रहा है और किससे मुख्तस किया जा रहा है, ये गौर तलब है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है इस आयत का मरकज़ी किरदार अहले बैत, दूसरी शय है तहारत। तो यानी अहले बैत को तहारत से मुख्तस किया जा रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ तहारत होगी, जहाँ तहारत होगी वहाँ अहले बैत होंगे। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम आयाए तत्हीर के नुजूल के बाद ताहिर करार पाए। तो अजीजान मोहतरम, आयाए तत्हीर के नुजूल के बाद अहले बैत ताहिर नहीं करार पाए, बल्कि वो खिलकत से लेकर, या ये कहूँ कि जब ये कायनात भी वजूद में नहीं आई थी, फ़कत नूर इलाही था, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, जब सारी कायनात पर अल्लाह का नूर मुहीत था और उसने अपने नूर से इन अनवार को मुख्तस किया था, तो तब से ये ताहिर हैं। और उसकी दलील परवरदिगार ने कुरान में दी सूरह रहमान में, वस्समा रफ़ाअहा, सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा कि आसमान को हमने बुलंद बनाया, यानी आसमान कोई शामियाना नहीं था कि उसे चौब पे बाद में बुलंद किया गया हो, जिस तरह चौबे खेमा पे हम खेमे को बुलंद करते हैं, ऐसे आसमान को किसी सुतून के ज़रिए से बुलंद नहीं किया गया है, बल्कि उसकी खिलकत ही बुलंदी पर हुई है, जब उसे बनाया गया तो बुलंदी पे बनाया गया, ऐसे ही अहले बैत की जब खिलकत हुई तो तहारत पर हुई है, जब ये बने तो ताहिर थे,
ताहिर हैं, ताहिर रहेंगे। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अजीज़ाने मोहतरम, इस आयत में अहले बैत की लफ्जाई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाज़ हमारे मुफस्सरीन ने, क्योंकि मैं आप जानते हैं किसी एक मसलक के लिए मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, मेरा खिताब तमाम मसालिक के लोगों से है, हमारे अहले सुन्नत भाई भी जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से मैं इसलिए सुन रहे हैं, मैं उनसे भी खिताब कर रहा हूँ, आपसे भी खिताब कर रहा हूँ कि अहले बैत के मामले में किसी को कोई इख्तलाफ़ नहीं है। सिर्फ एक रावी है जिसका नाम है इकरमा, उसने ये लिखा कि साहब अहले बैत से मुराद अजवाज पैगंबर भी हैं। तवज्जो चाहता हूं, एक ने कहा कि असहाब जो हैं, जो उनकी अजवाज हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज हैं वो इसमें शामिल हैं। तवज्जो चाहता हूं, यानी अहले बैत में अजवाज पैगंबर भी शामिल हैं, ठीक है, मगर हमें कोई इससे दुश्वारी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है कि कौन शामिल है कौन नहीं, लेकिन मेयार कुरान है, ये तो कुरान बताएगा कि कौन शामिल है या नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, ना मुझे हक़ है कि मैं किसी को मुस्तरद करूँ कि वो शामिल नहीं है, ना मुझे ये हक़ है कि मैं किसी को शामिल करूँ कि साहब फलां शामिल है, नहीं, जो कुरान ने मेयार दिया है उस मेयार पर जो खड़ा उतरता है वो शामिल है, जिसे रसूल ने शामिल समझा वो शामिल है, जिसे रसूल ने बाहर कर दिया वो बाहर है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, आप देखें कि इस आयत में दो ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम, अनकुम कुम की ज़मीर आई, रिज़्सा अहलल बैते व युताहिरा कुम, फिर कुम की ज़मीर आई, दो बार ये कुम की ज़मीर आई। अरबी ग्रामर के एतबार से अहले इल्म का मजमा है कुम की ज़मीर का इस्तेमाल कब होता है, जैसे यहाँ मजलिस हो रही है, कोई शख्स आए और जब वो आए यहाँ पर तो वो देखे कि यहाँ दो ख़वातीन या तीन, कुछ ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, मगर अक्सरियत किसकी है, मर्दों की है, तो वो सलाम करेगा सलामुन अलैकुम, ठीक है, ये कुम मर्दों की ज़मीर है, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी तादाद ज़्यादा है उसकी ज़मीर इस्तेमाल होगी। भाई तवज्जो चाहता हूँ, और अगर इसके बरक्स यहाँ औरतें ज़्यादा हों मर्द कम हों तो आने वाला जो सलाम करेगा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, कुन्ना की ज़मीर आएगी जो औरतों के लिए होती है, यानी अगर यहाँ औरतें ज़्यादा हों मर्द कम हों तो ज़मीर किसकी इस्तेमाल होगी, औरतों की होगी। तो ये अरबी ग्रामर के अतबार से कुसूल है जिसका ना किसी मसलक से ताल्लुक़ है ना मज़हब से ताल्लुक़ है, ये लिसानियात के उसूल हैं, लिसानियात के ज़ाबते हैं जिन्हें हर मज़हब और हर मसलक ने कबूल किया है। तो कुम की ज़मीर वहाँ आएगी मर्दों के लिए है जहां मर्दों की अक्सरियत होगी, और कुन्ना की ज़मीर वहां आएगी जहां औरतों की अक्सरियत होगी, जैसे कुरना फी बुयूत कुन्ना, ये आयत अथीर के बाद की आयतों में आया कि रसूल ने हुक्म दिया अपनी अजवाज को, अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ नबी की बीवियों घर के अंदर रहो, जब कुरना फी बुयूत कुन्ना की आयत आई अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी की बीवियों घर के अंदर रहो, तो नबी ने अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि अल्लाह का पैगाम आया है तुम्हें घर के अंदर रहना है। तवज्जो, तो क्या है, कुन्ना की ज़मीर आई यहाँ भी, क्यों, क्योंकि वहाँ औरतें थी ज़्यादा जिनसे खिताब था, बीवियाँ नौ थी नबी एक थे, तो ज़मीर किसकी इस्तेमाल हुई, औरतों की हुई। तवज्जो चाहता हूँ, अब यहाँ कुम की ज़मीर इस्तेमाल हुई है जो मर्दों की ज़मीर है, तो अब आप देखिए आया तथीर जब नाजिल हो रही है तो वहाँ पर एक औरत है यानी खातून जन्नत और मर्द हैं चार, तो ज़मीर किसकी इस्तेमाल होगी, अब मर्दों की होगी क्योंकि मर्दों की तादाद ज़्यादा है, तो कुम की ज़मीर दो बार आई। अगर अजवाज पैगंबर भी अहले बैत में शामिल होती तो वो नौ हैं, भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, तो तादाद औरतों की ज़्यादा हो जाती, तो जब औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाती तो ज़मीर किसकी इस्तेमाल होती, औरतों की होती, लिहाजा मर्दों की ज़मीर का इस्तेमाल होना बता रहा है कि सिर्फ पंजतन पाक ही अहले बैत में शामिल हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और भी हमारे हजारों सलाम हो
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा उम्मे सलमा पर। हज़रत उम्मे सलमा ने मसले को बिल्कुल वाज़े कर दिया। रावी कहता है कि जब आए तथी नाजिल हो रही थी, आए क़िबला तशरीफ़ लाएँ, सलावात पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद, जब आयत तथीर नाजिल हो रही थी, नुजूल तथीर के वक्त पंजतन पाक मुश्तमा थे खाना सैयदा में, उस वक्त उम्मे सलमा तशरीफ लाई। और जिस तरह से सब आप हदीस इकसाम पढ़ते हैं, आए अल्लाह के रसूल को सलाम किया और इज़्न चाहा चादर में दुखूल का और दाखिल होते रहे तमाम अफराद, लेकिन जब उम्मे सलमा आई उन्होंने सलाम नबी की खिदमत में पेश किया और कहा अल्लाह के रसूल अगर इजाज़त हो तो मैं भी चादर तथीर में आ जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इन्ना के अलल खैर, कैफ या उम्मे सलमा, ऐ उम्मे सलमा ठहर जाओ जहां हो वहीं, इन्ना के अलल खैर, आप खैर पर हैं मगर चादर तथीर में नहीं आ सकती। भाई इससे ज़्यादा वाजे और क्या चाहिए दलील कि नबी ने अपनी बीवी को रोक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खैर पर हैं मगर चादर तथीर में नहीं आ सकती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब खैर वाली बीवी चादर तथीर में नहीं आ सकती, सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और फिर अहले बैत की तख़सीस के लिए एक और इशारा करता चलूं, थोड़ी सी देर के लिए तारीख़ के दामन में आइए, खाना काबा मक्का मौज़मा उसकी ज़्यारत के लिए कुछ अफराद अतराफ़ मक्का से आ रहे हैं। और जब वो मक्के के सर्द में दाखिल हुए, कुछ मुनाफिकीन वहाँ बैठे हुए थे, तो मुनाफिकीन जो वहाँ बैठे हुए थे सरहद पर, उन नौ मुस्लिमों ने जो नए नए भी मुसलमान हुए थे और मक्का शरीफ पहली बार आ रहे थे, उनसे पूछा कि हमें ये बताओ कि अल्लाह का घर कौन सा है। तो उन मुनाफिकीन ने एक मुनाफिक के घर को बता दिया कि ये अल्लाह का घर है। उन्हीं ने उसका तवाफ़ कर लिया। जब तवाफ़ किया तो इन लोगों ने कहकहे लगाए, तज़हीक की, तौहीन की। ये ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँची तो आपने जैसे ही ये ख़बर सुनी रंजीदा हो गए आप। अल्लाह की वही आई और अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, हमने आपको रंजीदा रहने के लिए नहीं बनाया है, आप उठिए और जाइए खाना काबा पर एक चादर आवेज़ा कर दीजिए। यह है ख़िलाफ़ काबा की तारीख़। इससे पहले किसी नबी के ज़माने में काबे पर ख़िलाफ़ नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी काबे पर ख़िलाफ़ नहीं था, उनसे पहले वाले नबियों के ज़माने में भी नहीं था, उनके बाद वाले नबियों के ज़माने में भी नहीं था। ये ख़िलाफ़ पहली बार किसने आवेज़ा किया? हमारे नबी करीम ने। क्यों किया? क्योंकि कुछ नौ मुस्लिमों को मुनाफिकों ने अल्लाह का घर एक मुनाफिक के घर को बता दिया था और उन्हीं ने उसका तवाफ़ कर लिया था। नबी रंजीदा हुए, वही आई कि आप एक चादर आवेज़ा कर दीजिए। नबी करीम ने खाने काबा पे चादर आवेज़ा कर दी, चारों तरफ से काबे को जो असल इमारत है चादरों में छुपा दिया। और जब चादर में छुपा दिया तो अब कहा कि अब ऐलान कर दो कि मक्के में कोई भी अपने घर पर ऐसी चादर आवेज़ा नहीं करेगा। तवज्जो चाहता हूँ, जैसी बैतुल्लाह पर है, यानी बैतुल्लाह की पहचान परवरदिगार ने काहे से कराई? चादर के ज़रिए से। भैया अहले इल्म का मजमा देखिए, बैत की पहचान चादर के ज़रिए कराई कि जो चादर के अंदर है वो बैत है, जो चादर के बाहर है वो हरम है। भाई एहतराम के काबिल तो वो भी है जो चादर के बाहर है मगर बैत नहीं है। हरम और है, बैत और है, बैत के मसाइल और हैं, हरम के मसाइल और हैं। तो कहा कि हमने बैत की पहचान चादर के जरिए कराई ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, मशकूक ना हो और पूछने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा अल्लाह का घर है। सबको बता दीजिए, पैगाम पहुंचा दीजिए कि जो चादर के अंदर है वो अल्लाह का घर है। का इसी तरह से जिस तरह हमने बैत की पहचान कराई चादर के जरिए से ताकि कंफ्यूज ना हो, तो समझ लीजिए जो चादर के अंदर है वो बैत है, उसी तरह से जो चादर तथहीर के अंदर है वो अहले बैत है।
सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद तो चादर के जरिए से तख़सीस की बैत की, चादर के जरिए तख़सीस की अहले बैत की कि देख लो चादर के अंदर कौन है। जो चादर के अंदर है वही बैत है और जो चादर के अंदर है वही अहले बैत हैं। तवज्जो चाहता हूँ जाने मोहतरम। अब आयत ने एक और आगे चल के बड़ा खूबसूरत और लतीफ़ इशारा किया, वयुताहिरकुम तत्हीरा, कहा हम इनको वैसा पाको पाकीज़ा रखेंगे जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है और हर रिज्स को इनसे दूर कर देंगे, यानी रिज्स इनके नज़दीक आ ही नहीं सकता। मैंने अर्ज़ किया था तख़सीसु शय बिशय, ये तो जहाँ होंगे वहाँ तहारत होगी और जहाँ तहारत होगी वहाँ ये होंगे, रिज्स आ ही नहीं सकता। अब उलमा ने लिखा कि यहाँ रिज्स से मुराद क्या है, ये रिज्स से मुराद ये वो ज़ाहरी नजासतें नहीं हैं जो आप और हम तसव्वुर कर सकते हैं, नहीं इनका तो कोई सवाल ही नहीं इनके आसपास आने का, ये दूसरे नजासतों की तरफ इशारा हो रहा है का शिर्क एक नजासत है इनके नज़दीक नहीं आ सकती, कोफ्र एक नजासत है इनके नज़दीक नहीं आ सकती, निफाक एक निजासत है इनके नज़दीक नहीं आ सकती। तो ये शिर्क कोफ्र और निफाक ये तीन नजासतें, भाई तवज्जो चाहता हूँ, ये तीन नजासतें अहले बैत के करीब नहीं आ सकती। जहां ये होंगे वहां ये तीन नहीं होंगी और जहां ये तीन होंगी वहां ये नहीं होंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज़्सा अहलल बैते वयुताहिरकुम तत्हीरा। अब युताहर और तत्हीर के जो दो लफ्ज़ हैं इन पर तवज्जो चाहता हूँ आपकी खुसूसी। कुरान मजीद में यूँ तो बहुत सी ख़वातीन का तस्करा किया गया लेकिन दो ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी तहारत का ऐलान किया परवरदिगार ने, उनमें एक जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा और एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। परवरदिगार ने सूरह आले इमरान में कहा कि या मरियम इन्नल्लाह इस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, कहें मरियम परवरदिगार ने आपको पाकीज़ा बनाया है और तमाम आलम की ख़वातीन से मुंतखब किया है। तो मरियम की पाकीज़गी का ऐलान और आया तथीर किसकी पाकीज़गी का ऐलान है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की। अहले बैत में मरकज़ी किरदार कौन है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा। तारुफ़ किसके ज़रिए हो रहा है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए से, तवज्जो चाहता हूँ। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा, लेकिन दोनों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो देखें, मरियम के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल की और जनाब फ़ातिमा के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल की। या मरियम इन्नल्लाह इस्तफा के व ताहरा के, यह आया तहारा, तहारा क्या है, उलमा फ़ाज़िल यहाँ मौजूद हैं, बरवज़न फ़आला सीगा माजी है, यानी जब मरियम की तहारत का ऐलान किया तो सीगाए माजी के ज़रिए से। ये क्या है, ये जुज्व है, सीगा क्या होता है, जुज्व है, जैसे अम्र है, नहीं है, हाल है, मुस्तकबिल है, माजी है, मुजारे है, ये सब ज़र्फ़ है, मजरूफ़ है, सब सारे सीगें क़िबला मौजूद हैं यहाँ पर, तो ये सीगे जुज्व कहलाते हैं। और एक होता है मसदर, मसदर क्या होता है, मसदर होता है कुल जिससे दीगर सीगे सादिर हों, उसे हम कहते हैं मसदर। तो तहारा जनाब फ़ातिमा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वही तहरकुम तत्हीरा, तो वहाँ तहारा था, यहाँ तथीर, तथीर क्या है, तथीर असल मसदर, यानी इससे सारे लफ्ज़ सादिर होते हैं, सारे सीगे किससे निकलते हैं, तथीर से। तथीर क्या है, मसदर है, मसदर क्या है, कुल, और सीगाए माजी क्या है, जुज्व, तो वो जुज्व है और ये कुल है। यानी जब जनाबे मरियम की इस्मत का ऐलान किया तो जुज्व के ज़रिए से किया और जब जनाबे फ़ातिमा ज़रा की इस्मत का ऐलान किया
तो कुल के जरिए से किया, यानी मरियम है जुज़्वे इस्मत, फातिमा है कुल्ले इस्मत। जब जमाना आज तक जुज़्वे इस्मत जनाबे मरियम का जवाब न ला सका, तो फिर कुल्ले इस्मत जनाबे जहरा का क्या जवाब लाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो, तो ये है कुल्ले इस्मत जिन्हें हम कहते हैं जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इनकी अजमतों को बयान हम क्या कर सकेंगे जिनका कसीदा कुरान पढ़ रहा हो। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये आया शब मेराज है, परवरदिगार ने कहा बेअब है वो ज़ात जो अपने अब्द को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गई। जब वहाँ सारे अंबिया ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, बस अलमन मिन कबले का मिन रसूल है ना, परवरदिगार ने कहा कि सारे नबी सामने खड़े हुए थे आदम से लेके ईसा तक, और हमने कहा कि मेरे हबीब इनसे पूछो कि हमने इन्हें नबी क्यों बनाया है, इनको रसूल क्यों बनाया है। तवज्जो चाहता हूँ। तो जब मेरे नबी करीम की सवारी अर्श आज़म पर पहुँची, जितने भी साहिबान कससुल अम्बिया हैं और उन्हीं ने अम्बिया के वाक़यात को लिखा है, सब ने लिखा है ये किसी मसलक के भी हों, कि जब नबी करीम की सवारी अर्श आज़म पर उतरी तो आदम से लेके ईसा तक के सारे नबी रिसालत में आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए थे। तवज्जो चाहता हूँ, रिसालत में आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए थे। जब नबी की सवारी पहुँची तो आदम पाए ताज़ीम मुस्तफ़ा खड़े हुए, नू पाए ताज़ीम मुस्तफ़ा खड़े हुए, इब्राहिम पाए ताज़ीम मुस्तफ़ा खड़े हुए, ईसा पाए ताज़ीम मुस्तफ़ा खड़े हुए। सारे अम्बिया में किस किस का नाम लूँ, 1,00,123,999 पैगंबर और रिसालत में आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए थे। क्या मर्तबा है सरकार दो आलम का कि जिसकी ताज़ीम के लिए 1,23,999 पैगंबर खड़े हो जाएं, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। भाई तवज्जो चाहता हूँ, जिसकी ताज़ीम के लिए अर्श आज़म पर 1,23,999 पैगंबर खड़े हो जाएं, उसे शरीयत इलाहिया में मुस्तफ़ा कहा जाता है। और शरीयत मुस्तफ़ा में जिसकी ताज़ीम के लिए खुद मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं, उसे फातिमा कहा जाता है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत। इसी हवाले से एक मौलाए कायनात का फ़िक्रा भी याद आ गया मुझे, अमीरुल मुमकिनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बैतुश शरफ में तशरीफ़ लाए तो देखा जनाब फातिमा ज़हरा आटा पीस रही हैं, तो आके करीब बैठ गए, दिलजोई करने लगे और कहा कि फ़ातिमा ज़हरा आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी फजीलत अता फरमाई है कि जिसमें कोई नबी कोई वली कोई वसी शरीक नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, वो सिर्फ़ अल्लाह ने मुझे अता की है ऐसी फजीलत, क्या आपके इल्म में है। तो जनाब सैयदा ने कहा जी आप बयान करें। तो मौलाना ने फरमाया या इबलीस व मामना का अंतस जो दाले माँ खलक तो भैया दया, सूरह सात की आयत पढ़ी, कहा आपने ज़हरा ये आयत तो पढ़ी होगी, कहा यकीनन, कहा इसमें परवरदिगार ने फरमाया कि या इबलीस व मामना का, ए इबलीस तुझे किस शय ने रोका उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। भाई तवज्जो चाहता हूँ, जब सारे मलाइका ने सजदा किया आदम को और इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो परवरदिगार ने इबलीस से कहा कि या इबलीस व मामना का अंतस जुदा लेमा खलक तो भैया दिया, ऐ इबलीस तुझे किस शय ने रोका उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तवज्जो चाहता हूँ, यानी मालूम हुआ कि दोनों हाथों से जिसे बनाया गया हो अगर उसको मानने से कोई इनकार कर दे तो वो बारगाह इलाही में रहने के काबिल नहीं रहता। कफा खरूज, निकल जा यहां से, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था।
तूने उसे मानने से इनकार कर दिया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। तो चाहे अल्लाह के दोनों हाथों से बनाए हुए का इनकार करे इंसान, और चाहे गदीर में रसूल अल्लाह के दोनों हाथों से बनाए हुए का इनकार करे, जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहता। मौला ने फरमाया कि ऐ सैयदा, आपको मालूम है अल्लाह के हाथ नहीं है। भाई हर मुसलमान का नज़रिया है, अकीदा है, किसी भी मसलक का इंसान हो, सब ये मानते हैं कि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियात से मुनज़्ज़ा मुबर्रा है, अल्लाह ताला के आज़ा व जवारे नहीं हैं, वो नूर महज है। ये तमाम मुसलमानों का अकीदा है, तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर बनाया, दोनों हाथों से बनाया। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, आप देखिए कुरान है, ये कोई रिवायत नहीं है कि आप कहें साहब आपकी किताब में है, हमारी में नहीं है, हम नहीं मानेंगे। भाई कुरान की आयत से कौन इनकार कर सकता है? कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार किया। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ फातिमा जहरा, आप जानती हैं वो दोनों हाथ किसके थे? जिसने आदम का खमीर तैयार किया। मौलाना नहजुल बलागा में भी इसकी वजाहत की है, और खतीब नहजुल बलागा यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा। तवज्जो चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मौलाना ने फरमाया कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार किया, और वो मेरे हाथ थे जिनसे आदम का खमीर तैयार रहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हाथ है ही नहीं, तो मेरे हाथों के जरिए से खमीर तैयार हुआ। क्या मुबारक हाथ हैं कि हाथ अली के हैं, कहलाते अल्लाह के हैं? भाई तवज्जो चाहता हूँ, कि मेरे दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार हुआ, और ये मेरी वो फजीलत है जिसमें कोई नबी, कोई वली, कोई वसी शरीक नहीं है। फातिमा मुस्कुराई, कहा या अली ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आपने अपनी फजीलत तो बयान कर दी, अब मेरी भी सुन लीजिए। भाई तवज्जो चाहता हूँ, कि जिस तरह अल्लाह ने आपको ये शरफ अता किया है कि आपकी फजीलत में कोई नबी, कोई वली, कोई वसी शामिल नहीं है, उसी तरह से परवरदिगार ने मुझे ये शरफ अता किया है कि हव्वा का खमीर मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। कायनात की कोई औरत, मरियम, सारा, हाजरा मेरी इस फजीलत में शामिल नहीं है, ये फजीलत अल्लाह ने मुझे अता की है। अब अजीजाने मोहतरम, ये बात तो तय हो गई ना कि हव्वा का खमीर जनाब फातिमा ने अपने हाथों से बनाया। तो जब हव्वा का खमीर अपने हाथों से बनाया, जिसका खमीर बनाया गया वो हुआ मफजूल, जिसने बनाया वो हुआ अफजल। भाई तवज्जो चाहता हूं, तो ये सारी कायनात की औरतें क्या हैं? बिनाते हव्वा, हव्वा की बेटियां हैं। तो जब ये अजमत में, इस्मत में जनाबे हव्वा से मुकाबला नहीं कर सकती हैं, तवज्जो चाहता हूं, जब ये हव्वा की बेटियां अजमत और इस्मत में जनाबे हव्वा से मुकाबला नहीं कर सकती हैं, तो पर उससे क्या मुकाबला जिसने हव्वा का खमीर बनाया हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाजी जान मोहतरम, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ क्योंकि वक्त तमाम हो रहा है, वर्किंग डे। मैंने कहा था आपको भी गुजरना है, आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। बस आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम हो गई कि ये वो शहजादी हैं इस्मत व अजमत की मालिका, कि इनका किसी खातून से मुकाबला नहीं हो सकता, इन्हें खसूसी शरफ परवरदिगार ने अता फरमाए हैं। और एक और आखिरी बात, बस गुफ्तगू तमाम हो रही है, कि अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है। एक मैसेज भी देता जाऊँ, एक पैगाम भी देता जाऊँ आखिर में नौजवानों के लिए, कि गुरूर अल्लाह को ना ताकत का पसंद है, ना इल्म का पसंद है, ना दौलत का पसंद है, ना शोहरत का पसंद है, हत्ता के इबादत पर गुरूर भी पसंद नहीं है। कि अगर आप इबादतों पे भी गुरूर करें, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और गुरूर अल्लाह ताला को ना मौलाना का पसंद है, तवज्जो चाहता हूँ, ना अंबिया का पसंद है, किसी का गुरूर पसंद नहीं है। और उसके लिए अहतमाम किया, जैसे उलमा को क़यादत दी कि भाई कायद हैं मिल्लत को, अपने इशारों पे चलाते हैं। तो ये भी ख्याल आया कि कहीं इनके जहन में गुरूर ना आ जाए, तो शरीयत में एक ऐसा निज़ाम रखा जो इनके गुरूर को तोड़ता रहे। तवज्जो चाहता हूँ, वो निज़ाम शरीयत क्या है देखें आप, कि जो उलमा के जहन में पैदा होने वाले गुरूर को तोड़ता है। इसलिए कि गुरूर फितरी शय है। मालूम हज़ारों आदमी भी बैठ के मुझे सुनने में, मिंबर पर बैठा हुआ हूँ, IAS है, PCS है, जज है, सब नीचे, उलमा, खुतबा सब नीचे बैठे हुए हैं। जो मिंबर पर बैठा हुआ है, हो सकता है उसके जहन में गुरूर आ जाए कि मैं वो हूँ, कि मैं बुलंदी पर और सब नीचे बैठे हुए हैं।
या जो महराब में खड़ा हुआ है, इमामत कर रहा है, सब पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ, तो ये जहाँ मैं आता है उसको तोड़ने का तमाम इंतज़ाम शरीयत ने किया है। तवज्जो चाहता हूँ। और वो किस तरह से कि उलमा में गुरूर न पैदा हो, उसके दो मौके हैं। एक मौका तो ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा कितना भी बड़ा आलिम हो बग़ैर वली की इजाज़त के नहीं पढ़ा सकता। भाई तवज्जो चाहता हूँ, वली से इजाज़त लेगा, अगर वली मौजूद नहीं है, लावारिस मैयत है तो एक अलग मसला है उसका, लेकिन अगर वली मौजूद है तो इजाज़त किससे लेना होगी? वली से। वली कौन है? कौन है? आम मोमिनीन में से है। और आलिम दीन उससे इजाज़त लेता है कि इजाज़त है कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊँ। तो यानी ये इजाज़त लेना क्या है? ये गुरूर का तोड़ना है, ये झुकाना है मिल्लत के सामने, ताकि तकब्बुर ना पैदा होने पाए कि सब कुछ मैं हूँ, कि सब कुछ होकर भी आपको इजाज़त लेना पड़ेगी। तवज्जो चाहता हूँ एक आम आदमी से, और आम आदमी से नहीं जिसे इंसान नाकसुल अक्ल समझता है, का उससे भी इजाज़त लेना पड़ेगी। वो कब? जब निकाह का वक्त आएगा। कितना भी बड़ा आलिम ले आइए आप, जब निकाह पड़ेगा तो बग़ैर लड़की की इजाज़त के निकाह नहीं पड़ सकता। जब लड़की से उलमा को आपने देखा होगा इजाज़त लेने जाते हैं तो नज़रें नीचे झुकी हुई होती हैं और कहते हैं कि इजाज़त है कि मैं आपका अक़्द पढ़ाऊँ, आप मुझे अपना वली बनाती हैं। तो लड़की की उम्र 17 साल 18 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, बुलूगियत के बाद जब निकाह के अहकाम सादिर हो जाएँ तब उसका निकाह होता है। तो कम उम्र की बच्चियों के सामने भी इजाज़त मंगवा के गुरूर को तोड़ा। मैं तवज्जो चाहता हूँ कि आप भले ही बुलंदियों पर हों मगर आप बच्चों से भी इजाज़त तलब कर रहे हैं, ताकि गुरूर और तकब्बुर ना पैदा होने पाए। इसी तरह से एक नबी करीम, अल्लाह का एक नबी जो करीम भी है अजीम भी है, उसका नबी, उसके जहन में गुरूर का एक हल्का सा शायबा आ गया, अल्लाह को पसंद नहीं आया। मैंने अर्ज़ किया कि मौलवियों का गुरूर की तो हैसियत क्या है, उसे नबियों का गुरूर पसंद नहीं है। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, वो कौन नबी हैं? वो हैं हज़रत सुलेमान। उनके जहन में यह आ गया कि मैं इतनी बड़ी ममलकत का सुल्तान, मैं इतनी बड़ी बादशाहत का मालिक, चरिंद परिंद इंसान हैवानात जिन्नात सब पर मेरी हुकूमत है, तवज्जो चाहता हूँ, तो मैं इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक हूँ, मैं आ गया। और जैसे ही आया उन्होंने कहा आज मैं अपनी ममलकत का जायज़ा लेने के लिए महल के बाला खाने पर जाऊँगा, और कहा खबरदार कोई वहाँ नहीं आएगा। अपने मुसाहिबीन अपने वज़रा सबको कहा कि कोई भी ऊपर नहीं आएगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। बाला खाने पर आ गए, अब अपनी ममलकत का जायज़ा ले रहे हैं। जैसे ही जायज़ा ले रहे हैं बस आए हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे, अभी मिनट भी नहीं हुए थे, तवज्जो चाहता हूँ, चंद सेकंड गुजरे थे कि सामने देखा एक नौजवान खड़ा हुआ है। सुलेमान को गुस्सा आ गया, कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं सबको मना करके आया हूँ कि आज मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई ना आए। तो आने वाला मुस्कुराया और कहा सुलेमान मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की जरूरत नहीं है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, समझ गए कौन है? मलकुल मौत। कहा मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी इजाज़त की जरूरत नहीं मुझे, ये कहकर रूह कब्ज़ कर ली और सुलेमान की रूह कफ़ से परवास कर गई। मलकुल मौत चले गए, सुलेमान असा के सारे खड़े हुए हैं, अभी लोगों की हिम्मत नहीं दरबारियों की कोई के ऊपर आए, क्योंकि मना करके गए हैं। निज़ाम कुदरत, असा को दीमक लगी, और जब असा को दीमक लगी कमज़ोर पड़ा, सुलेमान गिरे, आवाज़ गिरने की गई, लोग भाग कर आए, तब पता लगा कि हज़रत तो तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तवज्जो चाहता हूँ, ये क्या था? ये गुरूर था। तो परवरदिगार ने कहा कि हमने नबियों का गुरूर भी तोड़ दिया, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मलकुल मौत को गुरूर हो जाए। तवज्जो चाहता कि मलकुल मौत को ये गुरूर ना आ जाए कि मैं वो हूँ जो हर जगह इजाजत के बगैर चला जाता हूँ। का खबरदार हम इसी दुनिया में एक दरवाजा ऐसा भी बना देंगे जहां मलकुल मौत भी इजाजत के बगैर न जा सकेंगे, और वो दरवाजा है दरे फातिमा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तवज्जो, तो ये है गुरूर का। मलकुल मौत के जहन में भी गुरूर नहीं पैदा होने देंगे। क्यों?
यहाँ एक दरवाज़ा ऐसा बना देंगे दर सैदा कि जहाँ मलाइका भी इजाज़त के बग़ैर ना दाखिल हो सके। अल्लाह अकबर, ये अज़मत जनाब सैदा की। मगर अफसोस कि इसी दरवाज़े को जलाया गया जहाँ मलाइका भी इजाज़त के बग़ैर ना आते थे। परवरदिगार मरहुमा जहाँ आरा साहिबा के दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारे पास और कोई ज़रिया ईसाल नहीं है सिवाय इसके कि तिलावत कुरान की जाए और अहले बैत का तस्करा किया जाए, जो किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनके अहलो अयाल को सब्र जमील अता फरमाए। मैंने देखा कि किस तरह से बच्चे, उनकी बच्चियां तड़प तड़प के रो रही थीं माँ के फिराक में। और मैं क्योंकि मुसलसल इनके यहाँ सालाना मजलिस खिताब कर रहा हूँ बरसों से, तो मुझे बड़ी मोहब्बत फरमाती थी मरहुमा और बड़ी दुआएं देती थी। मुझे नहीं मालूम था कि जो पिछला या में अज़ा गुज़रा है कि वो मेरी मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी उनसे, कि जब मैं मजलिस पढ़ने के बाद उतरा और बाहर निकल कर जा रहा था तो किसी से उन्हें बुलवाया और बुलवाने के बाद मेरे सर पर हाथ रख के मुझे सैकड़ों दुआएँ थीं। अब कहाँ हैं वो बुज़ुर्ग कि आप सलाम करते थे और बुज़ुर्ग दुआएँ देते थे। अब वो कल्चर, वो माहौल ख़त्म होता जा रहा है। जो बुज़ुर्ग हमारे बाकी, परवरदिगार इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। आप देखें, अगर माँ का, आपने बाप का कोई छोटा सा काम भी कर दिया तो वो ढेरों दुआएं देते थे बच्चों को, अपनी औलाद को, गैरों को दुआएं देते थे। मगर अब आप बड़े से बड़ा काम किसी का कर दीजिए, कोई दुआएं देने वाला नहीं है। ये बड़ी महरूमी है, दुआओं से महरूमी। दुआ बहुत बड़ी ताकत है और माँ की दुआ, इससे बढ़कर तो कोई शय ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कहा गया किसी को कि तुम अब तक तो कभी भी बड़े से बड़े ख़तरे को बचने के लिए कोई अमल नहीं करते थे, मगर अब खुसूसी अमाल अंजाम दो बल्लियात अर्ज़ी और आफात समावी से बचने के लिए। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी माँ नहीं रही है, दुआएं करने वाली माँ नहीं रही है। माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, औलाद को बड़ी से बड़ी मुसीबत से खींच लाती है। खुश नसीब हैं वो जिनके सरों पे उनकी माँओं का साया कायम है, और अफसोस कि जिनके पास माँ नहीं है। जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई तो समझ लीजिए उसकी कायनात रुखसत हो गई, उसका सब कुछ उजड़ गया। माँ एक ऐसी नेमत अजीम है कि जिसका वजूद ही बरकतों और रहमतों का सबब होता है। वो कुछ ना कर सके, खाली उसका वजूद ही हमारे लिए रहमतों और बरकतों का सबब है, मुख्तलिफ अजाबों से निजात की वजह बनती है माँ, उसकी दुआ। तो जिनकी माँ है, मैं अपने नौजवानों से इस वक्त यही दरख्वास्त करूँगा कि वो माँ की ताज़ीम करें, इज्जत करें, कद्र करें, उसमें कभी कमी ना आने दें, कभी उनसे बुलंद आवाज़ में बात ना करें, कभी उन्हें नाराज़ ना करें। इसलिए कि अगर माँ नाराज़ हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल नाराज़ हुए तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, माँ और बाप की अजमत को समझें और उनके एहतराम में कभी कमी ना आने दें। बस गुफ्तगू मैंने तमाम की। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब तरीन मुकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो दरवाज़ा जहाँ मलाइका भी इजाज़त के बग़ैर ना आते थे, उस दरवाज़े पर उम्मत मुसलमान ने क्या जुल्म किया, क्या सितम ढाए कि उस दरवाज़े को जला दिया गया। जनाब सैयदा फरियाद कर रही थी, कह रहे इस घर में अबुल हसन है, इस घर में हसनैन है जिसमें तुम आग लगा रहे हो, और फिर मैं तुम्हारे नबी की इकलौती बेटी इस घर में हूँ और तुम इस घर को जला रहे हो। लेकिन जालिमों ने सिर्फ घर को जलाया नहीं, उस दरवाजे को जनाबे सैयदा पे गिरा दिया। सैयदा की पसलियां शिकस्ता हो गई, मोहसिन शिकमे मादर में शहीद हो गए। अजादारा ने मजलूम करबला, बस दो जुमले मजलिस तमाम हो रही है। जनाबे सैयदा की शहादत के बाद जब जनाबे सैयदा का जनाजा तैयार हुआ,
बच्चे आए फरियाद कर रहे थे, ज़ैनब आई, माँ के जनाजे के करीब बैठी हुई रो रही हैं, कुलसुम आई गिरिया कर रही हैं, हसन मुश्तबा फरियाद कर रहे हैं, मगर हुसैन हैं कि एक कोने में दूर खड़े हुए हैं। मौला ए कायनात ने जैसे ही देखा कि हुसैन नहीं आए, इमाम ने पुकारा कि हुसैन आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो, जनाजा उठने वाला है। देखो ज़ैनब आ गई, कुलसुम आ गई, हसन आ गए। वह एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, बाबा हम ऐसे नहीं जाएंगे, इसलिए कि जब तक हमारी माँ हमें बुलाती नहीं थी तो हम नहीं जाते थे, आज भी हमारी माँ जब तक नहीं बुलाएगी हम नहीं जाएंगे। रिवायत के फिक्र है कि बंदे कफन टूटे तो हाथ बरामद हुए, आ मेरे हुसैन, मेरे करीबा। अजादारा ने मजलूम है करबला, आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई, हुसैन माँ के जनाजे से लिपट के फरियाद करने लगे और एक वादा लिया, अम्मा कैसे आज हमें बुलाया है, अम्मा जैसे आज आपने हमें बुलाया है, हमने लब्बैक कहा, अम्मा करबला के मैदान में जब हम आपको बुलाएंगे तो हमारी आवाज में लब्बैक कीजिएगा, अम्मा करबला में अपने हुसैन को तनहा न छोड़िएगा। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعب بيننا بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير। एक मरतबा सूरह الحمد और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूमा जहां आरा बेगम बिनते अब्बास हसन मरहूम को इसाल फरमा दें।